तो चलिए हम आ गए हैं सीएससी के डैशबोर्ड पे और इस वीडियो में हम जानेंगे सीएससी के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीएससी के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। तो सीएससी के डैशबोर्ड पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको न्यू सर्विस में यहाँ पे देखने को मिल जाता है डीमैट अकाउंट। अगर सीएससी के न्यू सर्विस में आपको डीमैट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाता है तो आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ से सारा हिस्ट्री आपको डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद आपको फिर से अपने सीएससी आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले न्यू सर्विस में डीमेट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से हमें यहाँ पे डीमेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और डीमेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ओपन और डीमेट अकाउंट, और नीचे हमें देखने को मिल जाता है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन। सिंपल से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है साइन इन विथ सीएससी। सिंपल से हमें साइन इन विथ सीएससी पे क्लिक करना है, और साइन इन विथ सीएससी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ समय वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे हमें डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमें और फर्स्ट में तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टॉक होल्डिंग, और सेकेंड में हमें देखने को मिल जाता है के फाइन टेक। तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सिंपल से आपको के फिनटेक टेक्नोलॉजी या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन दोनों में से आपको कोई चूज कर लेना है। तो हम स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के थ्रू करना चाहते हैं, सिंपल से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गो बटन। सिंपल से गो पे क्लिक करना है, और गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में अपना नेम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईमेल एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेम एज आधार नंबर, जो आपका नेम है वो आधार के अनुसार ही यहाँ पे फिल कर, और यहाँ पे नेम फिल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसीड बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग। सिंपल से यहाँ पे हम जो नेम फिल किए हैं यहाँ पे हमारा नेम देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। सिंपल से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है डिक्लेरेशन, डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सबमिट बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है पैन वेरिफिकेशन। पैन वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट बीए कोड आपका यहाँ पे सीएससी आईडी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपका बीए कोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सब फिल ही रहेगा, तो यहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, और पैन वेरीफाई करने से पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको यह सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। फर्स्ट में तो आपको पैन कार्ड का कॉपी रखना है तैयार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, स्कैन फोटो सिग्नेचर कैंसिल चेकबुक यहाँ पे आपका तैयार होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर नॉन आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे आपका होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फॉर आधार बेस्ड डीमैट अकाउंट, तो आपको ई आधार पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है या आपको जीव फाइल अपलोड करना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कीप ई पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे आपको ई पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना है, जीप फाइल डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिक्स में आधार बेस्ड ई सिग्नेचर मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आपको यह सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद आपका यहाँ पे पैन पे आपका पैन वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सर्वर डाउन है तो यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो सिंपल से आपको ओके करना है और फिर से वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा बार बार यही प्रॉब्लम आ रहा है, पैन वेरिफिकेशन सर्विस इज डाउन, प्लीज ट्राई ट्राई अगेन। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमारा पैन वेरीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्वर डाउन चल रहा है। तो अगर आपको भी बार बार यही प्रॉब्लम होता है तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है, उसके बाद आपको फिर से पैन वेरीफाई
करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, अभी तक मेरा सर्वर डाउन चल रहा है जिसके कारण हम यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे अपना अकाउंट ओपन करने कर पाने के। यहाँ से आप कुछ सिंपल स्टेप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द हम देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको इसके आगे का क्लियर प्रोसेस वीडियो हम लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।